नमस्कार, श्यामली की किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अंडा कढ़ी बनाएंगे और अंडा कढ़ी पनीर से बनाएंगे। और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत है, आइए देखते हैं। जल्दी बनाने के लिए छेना 200 ग्राम, सत्तू 4 चम्मच, मलाई 2 चम्मच, नमक स्वादानुसार, मैदा 2 चम्मच। ग्रेवी के लिए प्याज 3 मीडियम साइज में, टमाटर 1, लहसुन अदरक पेस्ट 1 चम्मच, हल्दी पाउडर, किचन किंग पाउडर, जीरा गोलकी पाउडर, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी या धनिया पत्ता, नमक स्वादानुसार। जल्दी बनाने के लिए सबसे पहले सत्तू लेंगे, मलाई ऐड करेंगे, थोड़े से मलाई हमने बचा के रख दिए हैं, जरूरत पे हम मलाई को फिर से ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लें। और ये बाकी के बचे भी मलाई हम डाल देंगे। नमक और पानी ऐड करके आटे की तरह गूंथ लेंगे। सत्तू का मिश्रण वैसा रहे कि सत्तू मुट्ठी में बाइंड हो सके। मुट्ठी में बाइंड हो जाए तो आपके गोले बनने के लिए ये मिश्रण तैयार है। और इसमें आपको जितना ज़रूरत हो आप पानी मिला सकते हो। बाइंड होने के लिए पानी जितनी ज़रूरत है आप डाल सकते हो। सत्तू का मिश्रण बन के तैयार है। अब इस तरह से गोले आप बना के तैयार कर लें। छोटे छोटे बॉल लेके हाथों से अच्छे से दबा के इसे गोल शेप में आप तैयार कर लें। और जितने भी मिश्रण हैं आप इसी तरह से तैयार करके रख लें। आप अपने पनीर के साइज से आकार दे सकते हैं। आपको जितना बड़ा अंडा रखना है उतना बड़ा आप जल्दी तैयार कर सकते हो। अंडा का ऊपरी सतह बनाने के लिए हम पनीर लेंगे और पनीर को इसी तरह से अच्छे से मैश करेंगे। पनीर को इसी तरह से 5 से 10 मिनट के लिए मैश करेंगे। पनीर काफी मुलायम हो चुका है। अब इसमें हम लोग मैदा ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिला के एक डो तैयार कर लेंगे। पनीर का डो तैयार हो चुका है। अब इसको जितने अंडे आपको बनाने हैं उस हिसाब से बॉल आप तैयार कीजिए और दोनों हाथों की सहायता से घुमा घुमा के आप अंडे का शेप दे दीजिए। और चिकना सा गोला तैयार करना है और बीच में स्पेस बनाइए। और जो जर्दी हमने तैयार किया है उसे हम भरेंगे और चारों तरफ से इसी तरह से फोल्ड करके अंडे का शेप आप दे दीजिए। अंडे में जितने दरारें हैं आप कोशिश करेंगे कि उसे भर दिया जाए। चिकना करके अंडे को तैयार करेंगे। कढ़ाई गर्म है, तेल ऐड करेंगे। अब तेल गर्म हो गया है। एक एक करके पनीर को तेल में ऐड करते जाएंगे। फ्राई करते समय फ्लेम को लो या मीडियम पे रखिएगा, हाई पे नहीं रखिएगा।
मैं यहाँ भूल गई थी और ये मेरा बहुत ज़्यादा ब्राउन हो चुका है, तो आपको ज़्यादा ब्राउन इसे नहीं करना है। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें मिर्च और जीरा का छौंक लगाएंगे। इसे हल्के सुनहरे होने दें। अब हम इसमें अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी भूनेंगे जब तक ये सुनहरा कलर ना आ जाए। लहसुन अदरक पेस्ट भुनकर तैयार है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। इन मसालों को 5 से 6 मिनट के लिए भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक ये सुनहरे कलर में ना आ जाए। प्याज भूनकर तैयार है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। प्याज टमाटर भूनकर तैयार है। इसमें हम 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा गुलकी पाउडर, 1 चम्मच किचन किंग, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक अपने स्वाद के अनुसार, और इन सबको अच्छे से मिला लें और इसे भी 2-3 मिनट के लिए भून के भूने और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से भूनकर तैयार हो जाए। और इस मसाले को तब तक हम भूनेंगे जब तक कि तेल ना छोड़ने लगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। मसाला भूनकर तैयार है। ये देखिए बहुत अच्छे से मसाले भूनकर तैयार हो चुके हैं और ये कढ़ाई में बिल्कुल चिपक भी नहीं रहा है। और अब अपनी ग्रेवी के हिसाब से पानी ऐड करें। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप अपने अनुसार पानी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ 1 गिलास के लगभग में पानी ऐड की हूँ। ग्रेवी में उबाल आने के लिए इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा ग्रेवी बहुत अच्छे से इसमें उबाल आ गया है। ये ग्रेवी बनकर तैयार है और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत है। अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिला लें और 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे पकने दें। इसमें हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे। अगर आपको कसूरी मेथी अच्छा नहीं लगता तो आप धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिला लीजिए और मीडियम फ्लेम पे आप 2-3 मिनट इसे पकने दें। बहुत अच्छे उबाल आ गए हैं और ये सब्जी बनकर तैयार है हमारा। ये अंडा कढ़ी बनकर तैयार है। आप खाइए और अपने अनुभव मुझसे शेयर करें। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें और अपने अनुभव मुझसे शेयर करें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।